ना आई नीता की सहेली ऐश्वर्या, ना दिखे मुकेश अंबानी के खासम खास जया और अमिताभ, अंबानी के फंक्शन से दूर रहे जूनियर बच्चन अभिषेक और बहन श्वेता, बिग बी की नातिन नव्या ने अकेले संभाला मोर्चा। अंबानी के फंक्शन से बच्चन की गैर मौजूदगी की क्या रही वजह? 5 जुलाई की शाम नीता और मुकेश अंबानी ने अपने बेटे बहू अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के संगीत का जोरदार जश्न मनाया, तो इस रंगारंग महफिल में रंग जमाने बॉलीवुड सितारे भी पहुंचे। सलमान खान की सोलो अपीयरेंस से लेकर बॉलीवुड पावर कपल्स का रोमांटिक अंदाज तक राधिका अनंत की संगीत नाइट की हाइलाइट्स रहे। सलमान आए, रणबीर आलिया भी छाए, सिद्धार्थ कियारा से लेकर जानवी, खुशी, अनन्या, सारा तक अंबानी के जलसा में शाइन बिखेरता दिखा बॉलीवुड का हर नामी गिरामी सितारा। लेकिन 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 इस मेगा इवेंट से कोई गायब रहा तो वो था अंबानी का करीबी बच्चन परिवार। जी हाँ, 5 जुलाई की रात नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होस्ट किए गए इस मेगा संगीत नाइट में बॉलीवुड स्टार्स का मेला लगा, तो हर सितारे ने रेड कार्पेट पर जमकर पोज भी दिए। हालांकि सितारों की इस भीड़ में फैंस की निगाहें बिग बी अमिताभ, उनके बेटे बहू ऐश्वर्या और अभिषेक को ही तलाश करती रह गईं। अमिताभ बच्चन मुकेश अंबानी के कितने करीबी हैं ये सभी जानते हैं। जामनगर इवेंट में भी बिग बी पूरे परिवार को साथ लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस बार जब राधिका आनंद के संगीत का मौका आया तो बच्चन परिवार इस महफिल से दूर ही रहा। नीता अंबानी की करीबी और उनके साथ सहेलियों वाला बॉन्ड शेयर करने वाली बच्चन बहुरानी ऐश्वर्या भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनी, तो आराध्या और अभिषेक बच्चन भी इस मौके पर गायब ही रहे। यहां तक कि मिसेस सीनियर बच्चन जया और घर की लाडली बेटी श्वेता बच्चन का भी नहीं हुआ दीदार। अंबानी इसकी खुशियों की इस घड़ी से गायब रहा बच्चन परिवार। हालांकि बच्चन फैमिली को रिप्रेजेंट करने यहां बिग बी की नातिन नव्या जरूर पहुंची। रेड हॉट कलर के क्रॉप टॉप के साथ मरमेड स्टाइल स्कर्ट पहनकर आई नव्या ने अपने स्टर्निंग लुक से रेड कार्पेट पर सभी का टेंशन जरूर ग्रैब किया। लेकिन अफसोस, अकेली नव्या कहां तक मोर्चा संभाल पाती? अंबानी के फंक्शन में नव्या के अटेंडेंस लगवाने के बावजूद यहां सभी को बिग बी और ऐश अभिषेक की कमी खूब खली। बता दें कि इससे पहले जब मुकेश और नीता अंबानी ने इटली में बेटे और बहू का सेकंड प्री वेडिंग फंक्शन होस्ट किया था, उस वक्त भी बच्चन परिवार का कोई भी सदस्य इस क्रूज बैश का हिस्सा नहीं बना था। वैसे आपको याद दिला दें कि साल 2018 में जब मुकेश और नीता अंबानी ने बेटी ईशा अंबानी के हाथ पीले किए थे, तब ईशा की शादी के मौके पर बिग बी से लेकर ऐश्वर्या तक बारातियों को खाना परोसते दिखे थे। ऐसे में कई सालों से अंबानी परिवार के करीबी रहे बच्चन परिवार का इतने खास मौके पर दूर रहना हर किसी को खल रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि अंबानी से बच्चन परिवार की इन दूरियों की वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।